वो तो आपने सुना ही होगा कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, और अगर उसको आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आज देख लीजिए, क्योंकि आज हकीकतन मैं हूँ ऊपर और टोरंटो है नीचे। सीएन टावर के टॉप के ऊपर हम मौजूद हैं और क्या व्यूज है भाई। अस्सलामुअलैकुम, मैं उज़िया तबारक और टोरंटो की एक हसीन सुबह है। आज हमारा स्टे होगा भाई डाउन टाउन में, क्योंकि RIS की कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो रही है और उन्होंने हमें स्टे दिया है वहीं पे डाउन टाउन में। तो अभी मैं जा रहा हूँ होटल, वहाँ पे हम चेक इन करेंगे, आज देखेंगे ज़रा डाउन टाउन को भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और जो कुछ होगा आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो फिर चले। कल बड़ा ब्राइट स्काई था भाई, आज जो है ना वो क्लाउडी मौसम है और कल स्टॉर्म की जो है वो प्रेडिक्शन है और अभी से हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। है भाई? बिल्कुल जी भाई, वेलकम टू कनाडा। हाँ जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त डाउनटाउन टोरंटो में और सीएन टावर कनाडा का आइकॉन ये मेरे बिल्कुल पीछे है। यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे ये जो आप कन्वेंशन सेंटर देख रहे हैं, मेट्रो टोरंटो कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पे होगा RIS इवेंट, जिसके लिए स्पेशली मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे अभी हम होटल के लिए जा रहे हैं, शेरेटन में हमारा स्टे है, लेकिन ये जो मैं अभी आया हूँ ना, यहाँ से जो हम ड्राइव करते हुए आए रेहान भाई के साथ, भाई मतलब ये इस जगह से ड्राइव थ्रू करना भी एक एक्सपीरियंस है ये। और जो है ना वो बहुत ही अल्टीमेट सीन है। ये तो लेडी जा रही है, अरे ये ब्लैक कलर की। भाई अभी हम जा रहे हैं सीएन टावर के टॉप पे, जितना टॉप पे जा सकते हैं, क्योंकि कल जो है ना वो स्टॉर्म की प्रेडिक्शन है और आज हमें ज़रा व्यू नज़र आ जाएगा, उसके बाद फिर ज़्यादा बर्फ़बारी वगैरह हो जाएगी तो कुछ पता नहीं है क्या सीन होगा। भाई ये यहाँ से हमने पास लिया है, पास है ये, वैसे तो ऊपर जाने का पास है $45 का, लेकिन हमने लिया है 105 का, जिसमें ये तीन चार चीज़ें और इंक्लूडेड है। Top of the world. Sam Patel. Wow, wow, wow. Ye kuch nahi hai, backside se hai sir. Sapura 360 hai. Oh, Ontario. Oh, bhai. Yahan se jo abhi scene nazar aa raha hai na, wo lafzon mein bayan ho nahi sakta. Ye top ke upar hum aaye hain, ye puri Lake Ontario hai aur yahan se pura Toronto jo hai डाउन टाउन और सब कुछ वो यहाँ से नज़र आ रहा है। आंखें जो है ना वो मेरी खुल गई हैं यहाँ पे आके। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो सही मानों में आज ये जुमला फिट होता है, ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भाई टावर से नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे ये गिफ्ट शॉप बनी हुई है, जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड्स भी हैं और तरह तरह के गिफ्ट आइटम्स हैं। तो ये यूजुअली होते ही हैं इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर। यहाँ से अब हम निकलेंगे आगे और जाएंगे होटल, होटल चेक इन करेंगे, लेकिन अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार, मज़ा आया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। In the gym, your wife have a fantastic day. Thank you. Aaj se aaye, chale jao. RIS mein to 23.7. Yes. Bingo. Chale jao bhai, aap chale pehle andar. Ye check kare bhai. Ye room hai hamara aur yahan se ye view. Wow. और ये भाई नबील भाई, नबील भाई का मैं सही से इंट्रोडक्शन करा नहीं पा रहा हूँ अभी तक, क्योंकि मैं काबू में नहीं आ रहा हूँ अभी तक।
भाई रूम में हम आ गए हैं अपने शेरेटन के अंदर। RIS हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा 4 दिन तक स्टे होगा। नबील भाई जो है ये इनका मैं तारुफ किस तरह कराऊँ। माशाल्लाह मैं इनको पहले जानता था फूड एज अ फूड ब्लॉगर, लेकिन ये माशाल्लाह यहाँ पे मस्जिद के इमाम है, मोटिवेशनल स्पीकर है, RIS के कर्ता धरता है, पता नहीं क्या कुछ है। और इनका चैनल भी इन्हीं के नाम से है आपका, नबील मोहम्मद। और हलाल फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी ये वर्किंग माशाल्लाह करते हैं। और मैं जो यहाँ पे मौजूद हूँ आज, वो अल्लाह ताला ने इनको जरिया बनाया है मेरे लिए यहाँ पे आने के लिए। सो थैंक यू, इट्स एन ऑनर हमारे लिए, बड़ी सआदत और खुशी की बात है। वी हैव ज़िया भाई, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाहिश थी कि यहाँ आए, एंड इट्स अ ड्रीम फॉर अस, हमारे लिए दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई वांटेड टू से विद ज़िया भाई #, चलें। थैंक यू सो मच। थोड़ा रेस्ट करके मैं आया हूँ भाई, ज़रा नीचे तो बहुत ही आला है, ये शेरेटन है और वह भी टोरंटो का, तो बहुत ही आला सीन है। और यहाँ से बाहर निकल के काफ़ी सारी अट्रैक्शन हैं। एक तो नेथन स्क्वायर है सामने, जहाँ पे जो है ना वो फायरवर्क्स भी यहीं पे होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। इसके आगे भी 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे उन लोगों ने बताई। यहाँ पे सबसे बड़ा मॉल है टोरंटो का, शॉपिंग मॉल जो है ना वो सबसे बड़ा वहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा बाहर निकल के एक्सप्लोर करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। ठंड बहुत टाइट है भाई, ठंड बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन, क्या टाइम हो रहा है भाई, तकरीबन 4 बजे हैं इस वक्त तकरीबन 4 बजे हैं। ठंड का बहुत ज़बरदस्त माहौल है। और बिल्कुल ये देखें, ये शेरेटन है और बिल्कुल इसके सामने जो है ना ये नेथन स्क्वायर है। और यहाँ पर मुझे कुछ स्ट्रीट फूड भी नज़र आ रही है। यहाँ पर एक ट्रक भी है और ये यहाँ पर फ्रेश कट फ्राइज हलाल, ये देखिए आप, स्ट्रीट फूड भी मिल रहा है यहाँ पे जो है ना वो लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं। ये मैं ऊपर से भी देख रहा था तो सब स्केटिंग कर रहे थे। अभी यहाँ पे आई थिंक सफाई हो रही है। ये देखें जी, ये है नेथन स्क्वायर और बिल्कुल पीछे जो है ना वो मेयर का ऑफिस है। ये मेन बिल्डिंग है। अभी यहाँ पर सफाई हो रही है, यहाँ पर सब लोग ये स्केटिंग कर रहे होते हैं। ये वाला सीन है यहाँ पे, ये देखिए भाई, ये फूड ट्रक है और इस पे हलाल का बोर्ड भी लगा हुआ है, बड़ा बड़ा हलाल। यहाँ पे भाई काफ़ी सारे जो है ना ये सॉसेस वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, जलापीनोज भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप अपने हॉट डॉग वगैरह के अंदर इसमें डाल सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल राइट। अच्छा, इसके अंदर कोई सॉस वगैरह नहीं है भाई, तो ये सॉसेस जो है ना मुझे यहाँ से डालने पड़ेंगे इसके अंदर। ये सारे सॉसेज यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं, ये आपको यहाँ से डालने पड़ेंगे। सेल्फ सर्विस, थोड़ी सी ये जलापीनो, वो सामने फूड ट्रक और ये आ गया हमारा बर्गर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी इतनी हो रही है कि आँखों से जो है ना वो पानी निकल रहा है भाई। स्ट्रीट फूड का जो है ना वो कहीं भी चले आओ अपना ही मज़ा है यार। अच्छा था बर्गर, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जो है ना ये कॉलेज कौन आया और यहाँ पे भी इस तरह से ये सॉसेज वगैरह सारे रखे हुए होते हैं। तो आपको बन और बर्गर वो दे देते हैं, पैटी और बन बेसिकली दे देते हैं, और फिर सॉसेज वगैरह आप अपने हिसाब से खुद ही डाल लें। और इस तरह के काफ़ी सारे फूड ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर ईट ऑन सेंटर है जो कि शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ ज़रा एक्सप्लोर करने के लिए। ज़रा इंडोर भी है तो ज़रा चेक करते हैं। बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है भाई और सारे ब्रांड वगैरह यहाँ पे, जैकेट्स ये वो सारी चीज़ें जो ब्रांडेड होती हैं ऑब्वियसली वो यहाँ पे मिल रही है। सामने ये रेड कर्टन लगे हुए हैं, क्रिसमस का कोई सीन बना हुआ है मेरे ख्याल में। ये देखें नीचे भी जा रहे हैं, इसके फ्लोर्स वगैरह जो है ना ये सब नीचे तक, बहुत ही बड़ा मॉल है ये भाई। सबसे पहले जो है ना वो मैं आया हूँ सतपुरा में, क्योंकि बेगम ने कुछ शूज़ दी थी कुछ मेकअप की चीज़ों की ना, तो वो मैंने यहाँ पे ले लिए। सबसे पहले ज़रा वो उसका सीन हो जाए।
ये सीन है भाई, ये काम तो सबसे पहले जरूरी है ना यार। थैंक यू थैंक यू। ये तो होगा भाई, मॉल से निकलते हैं तो सामने आता है डंडास स्क्वायर, और ये भी एक जगह है, यहाँ पे लोग हैंग आउट करते हैं। ज़रा फेस्टिव मॉल बना हुआ है क्रिसमस का, तो यहाँ पे जो है ना वो सारी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। आप ये देखें सामने के मनाजिर, ये है डंडास स्क्वायर। ओके भाई ठीक है, क्या नाम है आपका? आकिब जावेद, मैं मकराना राजस्थान से हूँ। राजस्थान? जी राजस्थान। हर्षित पुष्पेंद्र सिंह सर। अरे भाई माशाल्लाह, मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया इनको स्ट्रीट पे टोरंटो में। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करनी है रोड, बीच में से क्रॉस नहीं करनी। वेलकम। थैंक यू थैंक यू। यू आर फ्रॉम पाकिस्तान? अरे माशाल्लाह, कौन सी सिटी से? कराची। अरे 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 अरे, अपने कराची वाले भाई मिल गए सारे यहाँ पे। आप लोग यही रहते हैं या? जी जी जी, कैनेडियन। अच्छा, पढ़ने आए हुए? अच्छा माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बड़ी खुशी हो रही है भाई, तो अभी कुछ इंडियन मिले थे, फिर हमारे कराची वाले बॉयज मिल गए, तो इससे अच्छी क्या बात है। यहाँ हर तरफ जो है ना भाई, ये पूरे डाउनटाउन के अंदर ही समझे आप कि एक बिल्कुल फेस्टिव माहौल है। वैसे ही यहाँ पे इतनी लाइट्स हैं, इतना चक्का चौंध है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल सब कुछ है, लेकिन साथ साथ ये जो क्रिसमस का पूरा माहौल बना हुआ है, इससे जो है ना वो पूरे इलाके को सबको जो है ना वो चार चांद लग गए। कॉफ़ी लेके वापस में आ गया हूँ नेशन स्क्वायर के ऊपर, और यहाँ पे ज़बरदस्त अभी जो है ना वो स्केटिंग हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त मॉल बना हुआ है, और रात के अंदर जो लाइटें जली हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। और हमारा खाना आ गया है भाई, खाने के अंदर आए हैं ये चिकन कबाब, और दो तीन तरह के कबाब हैं, नान है, साथ में सैलेड भी है। और खाना मैंने शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लग रही थी काफ़ी सारी भूख। ये स्पेशली आ रहा है, इसकी तरफ से फूड आया है, मील आया है, क्योंकि यहाँ पे जो होटल के अंदर मीट है ऑब्वियसली वो हलाल नहीं है, तो ये अलग से हर जो भी गेस्ट हैं सबको ये सर्व किया गया है मील, और बहुत मज़ेदार है। वेरी नाइस, थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग भाई, रात को मैं खाना वाना खा के थोड़ा काम करके मैं सो गया था, और आज एक नई सुबह है। आज से आ रहा है इसका इवेंट शुरू होना है, लेकिन आज स्टॉर्म की पेशेंगोई भी है, स्नो स्टॉर्म आ रहा है। कल शाम से ही जो है ना, रात से ही बारिश शुरू हो गई थी, अभी भी बाहर बारिश हो रही है, और आज कहा यही गया है कि इंडोर्स ही रहें ज़्यादा, क्योंकि 80-90 माइल्स पर आवर के हिसाब से विंड भी चलेगी, और विंड के साथ जब स्नो होती है तो बहुत ख़तरनाक भी होती है। ये सारी सीन है, जो भी साथ साथ होता जाएगा आपको अपडेट करते जाएंगे। ओके, ये भाई हमारा ब्रेकफास्ट आया है, और ये मैंने ऑर्डर किया था। बेसिकली सीन ये है कि ये वाउचर्स हमें दिए हैं, इससे QR कोड स्कैन करके आप अपना ऑर्डर प्लेस करें और आपका ब्रेकफास्ट आपके रूम में आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, और यहाँ पे आप ये देखें कि बर्फ़बारी शुरू हो गई है, विंड के साथ अभी बर्फ़बारी वाली बूंदाबांदी हो रही है, सब कुछ वाइट होता जा रहा है भाई आहिस्ता आहिस्ता। और ये आ रहा है, इसने जो है ना मुझे पैकेज दिया है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये मेरा पास है, और इसके अंदर ये स्ट्राइप्स हैं, बैंड्स हैं जो VIP RIS स्पिरिट, और इसके अंदर ये आर्टिस्ट पैकेज, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस है तो इसके हिसाब से ये सारी पॉलिसीज वगैरह इसमें लिखी हुई है। परफॉर्मेंस शेड्यूल ज़िया तबारक December 25th 1-on-1 इंटरव्यू। भाई यहाँ पे जो है ना वो सब लोग जमा हो रहे हैं, अभी जमात भी होगी, आज जुमे का दिन है क्योंकि, तो जमात के लिए भी सब लोग जमा होंगे, तो सब एक साथ ही निकलेंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना वो एनवायरनमेंट है इस पूरी RIS कन्वेंशन का, इस होटल में भी, और इसके ऑल अराउंड डाउन टाउन।
सामने कुछ तो है। ऊपर रिसेप्शन एरिया है, स्टॉल्स और उनकी जो भी लोग आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है। पूरा एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स हैं यहाँ पे, अभी मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। हालिद भाई, ये कौन सा एरिया, कहाँ का एरिया? दिस इज द बाजार एरिया, बाजार एरिया विद द फूड, फूड कोर्ट एंड ऑल दैट। ओके ओके, एंड व्हेन इज द जुम्मा प्रेयर? 12 o'clock. 12 o'clock? या इट्स, आई थिंक इट्स कॉल्ड 12 o'clock एग्जैक्टली। ये बाजार एरिया है, जरा स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले नमाज पढ़ लें। आपके कुछ व्लॉग देखे हैं? ओके थैंक यू। खाना शाना खा रहे होते हैं? जी 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 जी। नमाज हो गई है भाई, और हमारे जो दोस्त हैं रेहान भाई वगैरह, वो भी यहीं पे हैं, इवेंट जिला की टीम, उनसे अभी मैं मिलता हूँ और आगे का प्रोग्राम देखते हैं कि क्या है। Yeah, मैं भी कराची से हूँ। I moved here in 2019. I've been here since 3 years. Oh, yeah, I was there, but I couldn't like explore the street food there because मैं छोटा था. But I watched your videos and I want to go back and you know biryani everything. सब खाना चाहता हूँ. What's your name? Rayyan. Rayyan. Yes. Rayyan from Karachi. चले. चले. Thank you, final one. ये जो डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास ये VIP बैंड्स हैं, वो सिर्फ यहाँ पे उनके लिए डिनर का लंच का एहतमाम किया गया है। और सूप बहुत मज़ेदार है, अभी बाकी चीज़ें भी टेस्ट करते हैं। बर्फबारी की शिद्दत में जो है ना, वो शदीद इजाफा हो गया है। आप लोगों को मैं यहाँ से खोल के दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये हो रही है बर्फबारी, लेकिन मैं कैमरा लेके ज़्यादा देर बाहर नहीं घूम सकता क्योंकि कैमरा गीला हो जाएगा। ओके भाई, अब मैं आ गया हूँ इस बाज़ार एरिया में। यहाँ बाज़ार है, डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कपड़े भी मिल रहे हैं, फूड स्टॉल्स भी हैं, डोनेशंस वगैरह की भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, और एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें काफ़ी सारी हैं। रोल गप्पे मिल रहे हैं भाई, जस्ट बेक क्रिस्पी रोल गप्पे, बिस्किट्स, स्नैक्स। The chili, I gotta put the chili program on this thing. You are originally from Pakistan? No, I'm from, well, Pakistan at home. Karachi maybe at home. Like, we're from Canada. Okay. Okay. Or, but like I said, it's been amazing. But we're always in very much in tune with the food scene, everything else, mashallah. Between Lahore and Karachi, obviously. But alhamdulillah, Kishol, zabdas. It's just fantastic. We're always very well. Thank you so much. Thank you. 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 थैंक यू। ये आ गया भाई इवेंट जिला का बूथ। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई, क्या हाल है भाई? सुखरियत, माशाल्लाह, नाइस टू सी यू फाइनली इन पर्सन। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई इवेंट जिला का आज जो है ना वो बूथ है, और इवेंट जिला ने कि ही मेरी जो सारी ट्रिप है वो मैनेज कर रहा है, और रेहान भाई उसके करता रहता है। तो आप लोगों को भी अगर अपने कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने हैं, किसी भी तरह के इवेंट्स, बिल्कुल, तो हमारा एक्चुअली मेन स्पेशलिटी है, हम फेस्टिवल्स करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, मैं कनाडा और अमेरिका दोनों में, तो हर किस्म के आउटडोर इंडोर फेस्टिवल्स वगैरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और ज़िया भाई का जो खिदमत है वो हमारा एक फ़र्ज़ है। नहीं, नहीं, हमारे भाई हमारे हम शहर हैं, उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज है। तो आप लोगों ने कॉन्टेक्ट करना है तो आप लोग इनका वेबसाइट भी देख सकते हैं, वरना info@eventzillagroup.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। असल में यहाँ पे अब जो है ना वो बयानात शुरू हो गए हैं, यहाँ पे जो मेन हॉल है वहाँ पे स्पीकर्स जो है ना उनकी स्पीचेस वगैरह हैं, तो यहाँ पे इस तरह के स्नैक्स वगैरह भी रखे हुए हैं ताकि लोग ले, और मतलब एक पूरा फेस्टिव मॉल है यहाँ पे, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हर चीज़ जो है ना, ये देखिए छोटी छोटी डिटेल्स का यहाँ पे ख्याल रखा गया है, हर चीज़ जो है वो बड़ी मेंटेन हुई हुई है, और बहुत ही मतलब एक मिसाली इवेंट है ये, जिसके अंदर पूरी दुनिया से यहाँ पे जो है ना वो स्कॉलर्स आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मगरिब होने वाली है भाई तकरीबन, और बर्फ़बारी ने अभी ये सिचुएशन कर दी है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ होटल,
रहे हो। और इसी मज़ेदार सी बर्फ़बारी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। पिक्चर अभी बाकी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।